बबल सॉर्ट शुरू करते हैं, ठीक है। बबल सॉर्ट भी सिंपल है, सिलेक्शन सॉर्ट तो हम देख चुके हैं, बबल सॉर्ट में देखो क्या होता है। बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं ना, हम ट्राई करते हैं जो लास्ट में एलिमेंट पड़ा हुआ है ना वो मैक्सिमम हो, ठीक है। जो सेकंड लास्ट में पड़ा हुआ है ना वो सेकंड मैक्सिमम हो, थर्ड लास्ट में थर्ड मैक्सिमम, फोर्थ लास्ट में फोर्थ, और ऐसे करके यहाँ जो इनिशियल फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा मिनिमम हो, ठीक है। पर इसको करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, उस तरीके से अगर हम करते हैं तो उसे बबल सॉर्ट करते हैं। वो तरीका क्या है देखो, हमारा पहला काम क्या है कि यहाँ पर मैक्सिमम लेके आना है, ठीक है। तो देखो कैसे लेके आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करेंगे हमेशा, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे नेक्स्ट से इसके। अब हमारे पास सिर्फ इतनी पिक्चर है, सिर्फ इतनी पिक्चर है, इसको देखो, ठीक है। 6 है और 9 है, क्या 6 और 9 असेंडिंग ऑर्डर में है? क्या 6 9 से छोटा है? यस। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि ये सॉर्टेड है, ठीक है, सॉर्टेड है, फाइन। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पे जाएंगे और उसको उसके नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ इतना इतना देखो, क्या 9 और 4 आपस में सॉर्टेड है? 9 तो बड़ा है ना 4 से, तो 9 को यहाँ आना चाहिए, 4 को यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो स्वैप कर देंगे हम इसको, ठीक है, स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने के बाद हमारा एरे जो है कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, 9 4 6 4 9, ठीक है, बाकी का भी सेम रहेगा, ठीक है। तो हमने यहां तक चेक कर लिया था, यहां तक चेक कर लिया था। अब फिर से कंपेयर करते हैं यहां से इसको इससे, ठीक है। 9 अगेन 8 से बड़ा है तो हमें फिर से स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 4 यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, ठीक है, 3 1, ठीक है। तो हमने कहाँ तक देख लिया, हमने इस इंडेक्स तक देख लिया, ठीक है, इस इंडेक्स तक देख लिया। अब फिर से कंपेयर करते हैं इसको, क्या 9 3 से बड़ा है? यस। तो फिर से सॉर्ट कर दो, फिर से इसको स्वैप कर दो, ठीक है, फिर से स्वैप कर दो। स्वैप करने के बाद हो जाएगा ये 6 4 8 3 9 1, ठीक है। तो हमने यहां तक देख लिया था, ठीक है, यहां तक कर लिया। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, अगेन 9 1 से बड़ा है तो हमारा ये कुछ 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 ऐसा आ जाएगा, 6 4 8 3 1 एंड 9, ठीक है, एंड 9। और ये 9 जो है स्पेशल, क्यों स्पेशल है? हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने अपना एरे जो है यहां तक सॉर्ट कर लिया, बट आई मीन टू से इज हमने लास्ट पोजीशन पे मैक्सिमम उठा के रख दिया। अब हमें सिर्फ इतने एरे के बारे में सोचना है, इतना तो हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब सेम स्टेप चलाने हैं हमको इतने एरे के लिए, फाइन, चलो फिर से चलाते हैं। तो 6 4 8 3 1 9 है ना, तो अब हमें यहां तक ही सोचनी है। तो अब फिर से कंपेयर करो, क्या 6 जो है वो 4 से बड़ा है? हाँ, तो स्वैप कर दो। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 8 3 1 9, ठीक है, 4 और 6 ने स्वैप कर लिया। अब 4 को 8 से कंपेयर करो, क्या 6 8 से बड़ा है? नहीं, तो ये अच्छे खासे सॉर्टेड है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। चलो भाई फिर से, अब 8 को 3 से कंपेयर करो, क्या 8 3 से बड़ा है? ऑफ कोर्स है, स्वैप कर दो। 4 6 3 8 1 9, ठीक है, 3 और 8 स्वैप हो गए। अब 8 को 1 से कंपेयर करो, ठीक है, 8 1 से बड़ा है तो फिर से स्वैप कर दो। 4 6 3 1 8 9, ठीक है। चलो अब एक काम और करो, अब 8 को 9 से कंपेयर करो, राइट, 8 को 9 से कंपेयर करो। क्या आपको जरूरत है क्या 8 से 9 को कंपेयर करने की? हमने इतना तो सॉर्ट कर लिया, इतना तो सॉर्ट कर लिया, तो जब इतना सॉर्ट है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाली कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। तो अब क्या आप कह सकते हो इस स्टेप पे आगे, क्या कह सकते हो आप कि आपका 4 6 3 1 और 8 9 सॉर्टेड है ना, 8 9 सॉर्टेड है, इन दोनों के बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, अब इतने एरे के बारे में सोचो, ठीक है। ये हमारा राउंड 1 था, ये यहां से यहां तक हमारा राउंड 2 है। अब हमें एनी हाउ इतने को सॉर्ट करना है, इतना तो सॉर्ट हो गया, इतने को सॉर्ट करना है, फाइन। चलो इसको करते हैं फिर से, मतलब सेम ही स्टेप आपको लगाना है, बार बार आपका सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, वो छोटी होती जाएगी। तो अब हमारे पास एरे है 4 6 3 1 8 9, है ना, तो हमें इतने एरे के बारे में सोचना है आपसे। तो क्या 4 6 से बड़ा है? नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे। 6 6 3 से बड़ा है? यस, तो स्वैप कर देंगे। तो 4 3
6189, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। अब 6 को इससे कंपेयर करेंगे, क्या 6 1 से बड़ा है? यस बड़ा है, तो स्वैप कर देंगे 4 3 1 6 8 9, ठीक है। अब 1 को क्या, 6 को क्या 8 से कंपेयर करेंगे? नहीं, क्योंकि इतना तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। तो अब यहाँ रुक जाएंगे, इस कंपेरिजन को करने की जरूरत नहीं है। और हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारा जो टोटल एरे था उसमें से 4 3 1 का तो अभी हमें पता नहीं, बट वी आर श्योर डेट दिस मच एरे इज सॉर्टेड, ठीक है। ये रेड वन वाला सॉर्ट हो गया है, 6 8 9 वाला सॉर्ट हो गया, इसके बारे में अभी हमें सोचना है। ये हमारा राउंड 3 हो गया, ठीक है, ये राउंड 3 हो गया। चलो इसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर से अब हमारे पास क्या है, 4 3 1 6 8 9, है ना, इतना सॉर्ट हो गया। तो अब 4 को 3 से कंपेयर करेंगे, क्या 4 3 से बड़ा है? यस, स्वैप कर दो 3 4 1 6 8 9, ठीक है। अब 4 को इससे कंपेयर करेंगे, क्या 4 1 से बड़ा है? यस, स्वैप कर दो, यहाँ लिख देता हूँ, तो 3 1 4 6 8 9। अब मैं 4 को 6 से कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि इतना तो सॉर्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। और अब मैं क्या कहूंगा कि मेरा 4 6 8 9 सॉर्ट हो गया है, 3 और 1 के बारे में मुझे सोचना है, ठीक है। तो इसके बारे में सोचते हैं, इसका एक ही अब लगेगा, क्या 3 1 से बड़ा है? यस, तो स्वैप कर दो, सो इट शुड कम आउट लाइक दिस, 1 3 देन 4 6 8 9। और अब हम कहेंगे कि हमारा इतना सॉर्ट हो गया है, एक बचा है, और जो एक बचा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। और ये हमारा जो पूरा एरे है अब ये सॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। तो हमारा ये पूरा सॉर्टेड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। क्या है सॉर्ट करने के बाद, ये 1 3 4 6 8 9, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कुछ हमारा बबल सॉर्ट काम करने वाला है, ठीक है, ऐसे करके कुछ कुछ हमारा बबल सॉर्ट काम करने वाला है। आप सब देख सकते हो स्टेप्स कैसे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक हमारा फर्स्ट राउंड था। इसमें हमने क्या करा, लास्ट वाले को लास्ट वाले पोजिशन पे मैक्सिमम ला के रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा सेकंड राउंड था, यहाँ पे हमने क्या करा, सेकंड लास्ट पोजीशन पे सेकंड मैक्सिमम ला के रख दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा थर्ड राउंड था, यहाँ पे हमने क्या करा, थर्ड पोजीशन पे थर्ड मैक्सिमम ला के रख दिया। यहाँ से यहाँ तक हमारा फोर्थ राउंड था, फोर्थ पोजीशन पे फोर्थ मैक्सिमम, और ये हमारा सिंपल लास्ट राउंड था। इसमें हमने फिफ्थ पोजीशन पे फिफ्थ मिनिमम ला के रख दिया, फिफ्थ मैक्सिमम ला के रख दिया, और लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, उसको उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे कुछ करके हमारा बबल सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका कोड देखेंगे, आप चाहो बिल्कुल, मैं इनफैक्ट कह रहा हूँ कि आप इसको एक बार कोड खुद से करने की कोशिश करो, जैसे हमने सिलेक्शन सॉर्ट का आपने ट्राई करा था, वैसे इसका भी ट्राई करने की कोशिश करो, काफ़ी सिमिलर है, मतलब एल्गोरिदम आप देखो, आपको हो जाएगा आपसे, नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू गाइस।